हमारे भारत देश में कई सारे धर्म के लोग अपने अपने घरों में एक छोटा सा मंदिर बनाते हैं अपने भगवान या परमेश्वर के लिए। एक खास दिन पर वे पूजा रखते हैं और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को घर पे बुलाते हैं ताकि वो सब मिलके पूजा कर सके, है कि नहीं। इसी तरह एक ईसाई अपने घर में या खुद की जमीन पर एक हॉल बनाकर उसमें प्रार्थना करता है और दूसरों को उस स्थान पर बुलाता है ताकि सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके। जैसे एक हिंदू जो अपने घर के एक स्थान को मंदिर कहता है, वैसे ही एक ईसाई अपने घर में होने वाली सभा को कलीसिया या चर्च कहता है। मगर आजकल हम देखते हैं कि कुछ लोग प्रार्थना और आराधना करने वालों के घर या हॉल में जाकर धर्मांतर के इल्जाम से उनको डराते हैं, मारपीट करते हैं, उनकी किताबों को जला देते हैं और वहाँ के मुखिया को भी मारते हैं। कई बार ये लोग आकर कहते हैं कि ये सब करने के लिए तुमको परमिशन किसने दिया, और उन पर इल्जाम लगाया जाता है कि यहाँ पर कानून के खिलाफ ये सब हो रहा है, धर्मांतर हो रहा है। क्या एक व्यक्ति को अपने घर में या अपनी व्यक्तिगत जमीन पर प्रार्थना सभा चलाने के लिए परमिशन लेने की जरूरत है? संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया है। उनमें से पहले 3 ये हैं: सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का स्वातंत्र्य है, शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन का स्वातंत्र्य है, संगम या संघ बनाने का स्वातंत्र्य है। मतलब ये हमारा संवैधानिक हक और स्वातंत्र्य है कि हम अपनी एक जगह पर निरायुद्ध और शांतिपूर्वक मिल सकते हैं, इसीलिए हमें किसी स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं है। और आर्टिकल 301 के तहत हर व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार है, यानी अपने खुद के घर पर प्रार्थना करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर किसी को लगता है किसी के व्यक्तिगत संपत्ति पर गैर कानूनी काम हो रहा है तो उसे पुलिस स्टेशन पर जाके रिपोर्ट करनी चाहिए। मगर कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेके किसी के प्रार्थना स्थल या घर में जाकर उनके साथ मारपीट या तोड़फोड़ नहीं कर सकता। हाँ, अगर पड़ोसी घर में उनको आपकी प्रार्थना सभा से कोई आपत्ति हो रही हो, जैसे शोर की वजह से उनके दिनचर्या में बाधा आ रही हो या किसी विशिष्ट दिन या समय पर उनके काम में रुकावट आ रही हो, तो उसे जरूर संबोधित करके उनको कोई तकलीफ ना हो ऐसा समाधान निकालना चाहिए। तो भैया क्या समझे, गृह कलीसिया यानी हाउस चर्च चलाने के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आपको ईसाई होने के नाते सताया जा रहा हो तो आप हमसे निम्नलिखित टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पर्सिक्यूशन रिलीफ जल्द से जल्द आपकी समस्या का हल निकालने और आपकी सहायता करने का प्रयास करेगा।